Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all are good and fine. My name is Muhammad Abbas and I'm a registered nurse. Today in this video, we are going to discuss on respiratory system. Bachelor of Science in Nursing, Semester 1, subject name is Pharmacology. So, let us start the video. रिस्पायरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी में जो जो मेडिकेशन आती हैं, हमें उन तमाम मेडिकेशन को पढ़ने से पहले हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम का मूड ऑफ एक्शन या थीम या बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। हमें जब मूड ऑफ एक्शन या थीम हमें मालूम होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो हमारे लिए मेडिकेशन का पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का मूड ऑफ एक्शन पढ़ लें आगे पढ़ने से पहले। तो चलें सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का मूड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। एस्थमा और COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज़। देखें, एस्थमा जो होता है, अगर एस्थमा की हम डेफिनेशन को देखें, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एयरवे, यानी कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवे की। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं एक पेन, ठीक है। यहाँ देखें, ये हमारे लंग्स है। हम नॉर्मली एयर लेते हैं नोज से, फिर ये ट्रैकिया से आते यहाँ पे आती है, ठीक है। क्या होता है एस्थमा के अंदर, जब ये एयरवे जो है यहाँ से तंग हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ करके, ये दोनों तरफ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ, देखें, ये जो ट्रैकिया था, ये जो एयरवे था, ये बहुत स्मॉल हो गया। जो पहले एयर का जो एक रास्ता था, एक जो एक बड़ा रास्ता था, अब वो रास्ता छोटा हो गया है। अब क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी। दमे के या जो एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जान जा रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, सांस की तंगी का शिकार होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो, यहाँ पे कि एयरवे छोटा हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब होता किन वजूहात की बिना पर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखें, एक चीज़ होती है मासल। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा गौर से देखें और सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। एक चीज़ होती है मासल, और मासल के ऊपर हम यहाँ से पहन लेते हैं, ये मैं बनाता हूँ, ये हम इसको कहते हैं सेंसिटिव IgE, यानी कि एक्टिव साइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एस्थमेटिक पेशेंट है, उसको एलर्जी है किसी भी चीज़ से, हम ठीक है, डस्ट एलर्जी है एक पेशेंट को। क्या होगा, जब पेशेंट एक ऐसी जगह से जाएगा जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होगी और वो पेशेंट पे अटैक करेगी, तो क्या होगा, नोज़ के ज़रिए ट्रैकिया में जाएगी, फिर ये जो मास सेल है इस पर अटैक होगा। ये इनकी जो है सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ये जो है इनके सेंसिटिव एरिया होता है, जिसको हम सेंसिटिव साइड भी कहते हैं। यहाँ पर जाके ये पार्टिकल अटैच होता है और सिग्नल जो है नीचे की तरफ भेजता है मास सेल के अंदर, ठीक है। जब ये सिग्नल मास सेल के अंदर इन होते हैं, तो क्या होते हैं, मास सेल की रप्चरिंग हो जाती है, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ। जैसे ही मास सेल की रप्चरिंग होती है, दो चीज़ें रिलीज होती हैं, वो जो कि बहुत मिकदार में रिलीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन, ठीक है, और सेकेंड ल्यूकोट्राइन, ठीक है। ये दो चीज़ें रिलीज होती हैं जो बहुत मिकदार में रिलीज होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नंबर वन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस जगह पर, और दूसरा वेजो कंस्ट्रक्टर हो जाता है, मींस कि ये जो एयर वे ही ये तंग हो जाता है, ठीक है। एयर का जो रास्ता है वो और छोटा हो जाता है। मैं इसको ज़रा इस चीज़ से कहते हैं, देखिए, एयर का जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दुश्वारी होती है सांस लेने में, ठीक हो गया। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर वन, कि जब एस्थमा का अटैक होता है तो दो चीज़ें होती हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, नंबर वन इन्फ्लेमेशन, और दूसरा सेकेंड ये कि वेजो कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। देखें, जब हम इसकी ट्रीटमेंट में जाएंगे तो हम इन दोनों का रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को, ठीक हो गया। मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ। जब हम इन दोनों को रिवर्स करेंगे तो उस सूरत में हमें सांस लेने में आसानी होगी, ठीक है।
अब इसी अमल को अगर हम दोहराएं तो इसी के मुताबिक ही हम तमाम मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए हम देखते हैं कि अब हम क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद हम नेबुलाइज कर देते हैं पेशेंट को। ठीक हो गया, थर्ड हम क्या करते हैं, उनको हम स्टेरॉइड दे देते हैं हम उसको। ठीक हो गया, ये हमारी इनिशियल ट्रीटमेंट होती है पेशेंट के लिए। बट अब हम चलते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के ऊपर, अगर पेशेंट इस तरह का हमारे पास आए तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, और एग्जाम में जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पता किए जाते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन होती है और वैसो कंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी कि एयरवे जो तंग हो जाते हैं। अब हम सबसे नंबर वन जो पढ़ने जा रहे हैं, ब्रोंको डायलेटर्स, मीन्स जो कंस्ट्रक्टर हुए थे हम उसको हम डायलेट कर देंगे ताकि एयर इजीली इन हो जाए लंग्स के अंदर। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज रिसेंटली भी आए हैं जो मैंने खुद देखे हैं। ठीक है, तो अब हम जरा इसको समझ लें, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, देखें ब्रोंको डायलेटर्स, इसमें इसमें कैटेगरीज आती हैं जिसको आप देखें, मैंने नंबर वाइज किया 1, 2, 3। नंबर वन पे हम कहते हैं मिमेटिक्स, सिंपैथोमिमेटिक्स, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम स्लाइड भी देखेंगे तो उसके अंदर मजीद टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी, मैंने इसलिए शॉर्ट लिखी है ताकि आप लोगों के लिए समझने के लिए आसानी हो जाए। देखिए, जितना हम आसान समझेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट लिखा सिंपैथोमिमेटिक्स कहते हैं इसको, सिंपैथोमिमेटिक्स कहते हैं इसको। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, एक सिलेक्टिव बीटा 2 एग्नोनिस्ट आते हैं, ठीक हो गया, और सेकंड नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एग्नोनिस्ट आते हैं। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। नॉर्मली आप इसको इस तरह याद रखें कि जब पेशेंट हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था, पेशेंट जो हमारे पास आता है हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ नेबुलाइज करवाते हैं। ठीक है, ये जो सिलेक्टिव बीटा 2 एग्नोनिस्ट हैं ये बेसिकली हम नेबुलाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसमें दो किस्म के आते हैं, नंबर वन शॉर्ट एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा 2 एग्नोनिस्ट आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेलबिटामोल और लॉन्ग एक्टिंग सेलम्यूटरोल। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास ऐसा मैको के पेशेंट आया है आप उसको शॉर्ट एक्टिंग क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब इस तरह के घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पता किए जाते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग क्या होंगे, लॉन्ग एक्टिंग क्या होंगे, आपको ये देखने होंगे। इसमें मैंने ये देखें, ये हाईलाइट किया मैंने किसी वजह से किया आपको समझाने के। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उससे उस टॉपिक को किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लें। जब आप क्या होता है जब आप किसी चीज़ से रिलेट करते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूँ, मैं इसी स्लाइड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1947 1965 और 2011। ठीक हो गया, अब देखें, अब आप अगर इस पूरे इस पैराग्राफ को अगर रीड करें तो बामुश्किल आप एक दफ़ा सुना देंगे मुझे, दो दफ़ा सुना देंगे, और अगर मैं आपको कहूँ कि 5 सेकंड आप देखें और उसके बाद मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, तो आप बहुत मुश्किल से बताएंगे, स्टार्ट के अल्फाज बता देंगे बाकी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको रिलेट करें किसी न किसी चीज़ से, जैसे मैंने कहा था, अगर हम इसके टुकड़े कर लें, देखें ये मैंने टुकड़ा कर लिया, ये मैंने टुकड़ा कर लिया और ये मैंने टुकड़ा कर लिया। ठीक है, अब देखें 1947 के, आपको मालूम है जैसे कि पाकिस्तान की क्रिएशन की डेट है, 1965 मेजर ईयर है जो कि वॉर का है, 2011 आप किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2022 कर देता हूँ ताकि ये 2022 कर लेते हैं जो कि अभी करंट ईयर चल रहा है। तो अब मैं आपसे एक हफ्ते के बाद भी पूछूंगा तो आप मुझे बहुत आसानी से ये वर्ड आप मुझे बता देंगे। अब हमने इसमें क्या किया था, हमने जस्ट रिलेट किया था एक चीज़ को, ये पूरे कोड को हमने डिवाइड किया था और इसको हमने पाकिस्तान के डे से हमने इसको रिलेट कर लिया, ये हमने इसको वार से रिलेट कर लिया और इसको जो हमारा करंट ईयर चल रहा है इससे हमने रिलेट कर लिया। अब मैं आपसे 10 दिनों के बाद ही पूछूँ तो आप मुझे आसानी से बता देंगे। आई होप कि आप मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसी तरह हमें इसके अंदर किस चीज़ को फोकस करना है, देखें शॉर्ट एक्टिंग यानी कि कम असर करने वाली। ठीक है,
अब हम अगर ए बी सी हम देखें, मैं आपको ज़रा यहाँ पे पहन लेता हूँ, देखें ए हाईलाइटर है, सॉरी ये मैंने पहन लिया, ये देखिए ए बी, ठीक है। आगे चलते जाएं चलते जाएं, उसके बाद क्या आता है, एम आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है ए बी सी के अंदर, बी आता है। तो ये देखें बी जब आएगा आपके पास सेल ब्यूटा, ठीक है, तो इसका मतलब है शॉर्ट एक्टिंग। देखें एस पहले आता है ए बी सी के अंदर, इसी तरह बी पहले आता है, तो शॉर्ट एक्टिंग सेल ब्यूटामोल, इसी तरह लॉन्ग कम असर करना। अगर हम देखें ए बी सी डी के अंदर तो बी पहले आता है, तो हम इसमें देखते हैं कि शॉर्ट कम कर रहा है असर, तो पहले बी आ रहा है इसके अंदर। और अब हम अगर देख लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग जो कि बाद में आता है, तो इसी तरह जो एम है वो ए बी सी के अंदर बाद में आता है बी के बाद, तो इस तरह ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। आई होप कि ये आप कॉन्सेप्ट मेरा समझ गए होंगे। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जो कि है नॉन सेलेक्टिव बीटा टू एग्नोनिस्ट। ये बेसिकली एक इंजेक्शन एड्रेनालिन होता है, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। मैं इसके ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, एक थीम देना चाहता हूँ। जब हम स्लाइड पे जाएंगे तो आपको देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर वन कंप्लीट हो गया। इसी तरह ब्रोंको डायलेटर के अंदर ही हम एक नंबर टू जो काम करते हैं वो करते हैं मिथाइल ज़ैंथिन। देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है थियोफाइलिन, ठीक है। इसमें आपको देखो ये फाइलिन जो लिखा हुआ है, आपको इससे इस चीज़ को पता करना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रोंको डायलेटर के अंदर मिथाइल ज़ैंथिन के अंदर कौन सी मेडिकेशन आती है, ठीक है। इसी तरह आप जहाँ पे ये फाइलिन आ जाए आप समझ जाएं कि ये मिथाइल ज़ैंथिन की कैटेगरी के अंदर मेडिकेशन है। इस तरह और भी आते हैं, अमाइनोफाइलिन आते हैं, ईटोफाइलिन आते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के स्लाइड भी दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और मैं ये शेयर भी कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर थ्री। पॉइंट नंबर तीन, एंटी कोलिनर्जिक्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपसे कि एस्थमा के पेशेंट है, ब्रोंकोडायलेशन जब आप करेंगे तो उसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक्स जो कैटेगरी आएगी उसमें कौन सी मेडिकेशन आती है। बहुत फेमस मेडिकेशन है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जिसको हम ब्रांड नेम हम कहते हैं लोकली एट्रोवेंट, ठीक है। हम नेबुलाइज भी करवाते हैं इसका। और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सेल्बुटामोल है इसका जो ब्रांड नेम है इसको हम कहते हैं वेंटोलिन, ठीक है। वेंटोलिन से भी हम इसको जानते हैं। बहरहाल ये हमारा हो गया ब्रोंकोडायलेटर। मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे जो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल पार्ट जो था यही था ब्रोंकोडायलेटर का, आप समझ गए होंगे। और चलें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा ब्रोंकोडायलेटर कंप्लीट हो चुका, अब हम चलते हैं ल्यूकोट्रिएन की तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं आपको ये अगेन वही कह रहा हूँ कि आपको मैं स्लाइड में दिखाऊंगा सारा ये, और स्लाइड प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको मैं। इसमें क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था पीछे मास सेल, ठीक है। मास सेल में हमने पढ़ा था ये जो सेंसिटिव आई जी ई है, इसको मैं लिख देता हूँ आई जी ई, ठीक है भाई। देखें यहाँ क्या होता है, जब ये जो सेंसिटिव एरिया है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आके अटैक करता है तो एंटीबॉडीज ई जो है सिग्नल पास करती है बॉडी मास सेल के अंदर, ठीक है। मास सेल का क्या, रप्चरिंग हो जाती है मास सेल की। जब रप्चरिंग होती है तो दो चीज़ें पैदा हो रही थी, हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिएन, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोट्रिएन, ठीक हो गया। अब देखें ल्यूकोट्रिएन जब रिलीज हो जाते हैं तो वो दो एक्शन होते हैं हमारे पास। कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो ल्यूकोट्रिएन की या तो साइनेसिस को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, या उसके ऊपर आके कवर कर देती हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेडिकेशन होती है वो हम कहते हैं ज़ेफिर ल्यूकास्ट। जो ल्यूकास्ट लिखा हुआ है इससे आप पहचान जाइएगा कि ल्यूकोट्रिएन की कैटेगरी है और उसके अंदर मेडिकेशन ये है। ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है डाओ का उसमें भी पूछा गया है। इस तरह मॉन्टी ल्यूकास्ट भी आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जहाँ ये ल्यूकास्ट आए आप समझ जाइएगा ये ल्यूकोट्रिएन कैटेगरीज के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मास सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है। इससे जो मेडिकेशन आती है सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, इसके अलावा भी आती हैं निडोक्रोमिल सोडियम के नाम से। देखिए अब हम वापसी चलते हैं इस पिक्चर की तरफ। ये हमारा मास सेल था, ठीक है, ये हमारा मास्ट सेल था, ठीक है। अब हमारे पास जो मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन क्या करती है कि ये जो पूरा मास सेल है इसको प्रोटेक्ट कर लेती है, लाइक अ कवर, इस पर कवरिंग कर देती है, ठीक है। ये मेडिकेशन जब कवरिंग हो जाती है तो क्या होता है,
जो ये जो सेंसिटिव एरिया था, यहाँ से सिग्नल पास होता है तो यहाँ आके ब्लॉक हो जाता है, मास सेल तक पहुंचता नहीं है सिग्नल ये वाला। मींस कि जो फॉरेन पार्टिकल आया उसने सेंसिटिव आईजीई के ऊपर अटैक किया, आईजीई ने यहाँ पे सिग्नल पास किया लेकिन मास सेल के ऊपर पहले से ही कवरिंग है ऐसी कि उसको एब्जॉर्ब होने दिया ही नहीं। तो जब ये मास सेल के अंदर एंटीबॉडीज ई जो है इन्हीं नहीं होंगी तो ये रपचरिंग नहीं होगी। जब रपचरिंग नहीं होगी तो मजीद हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ल्यूकोट्रीन प्रोड्यूस नहीं होगी। मीन्स इसका ये कि इन्फ्लेमेशन ट्रैकिया के अंदर नहीं होगी और ये जो एयरवे हमारा क्लियर रहेगा। आई होप कि आप इस थीम को समझे होंगे। ठीक है, ये हमारी जो मेडिकेशन है मास सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है, हमारे को मास सेल्स, ये जो हमारा मास सेल है इसको रप्चर होने से बचाती है। कीप इन माइंड अगर अटैक हो गया है फिर ये मास सेल स्टेबलाइजर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द अटैक मास सेल स्टेबलाइजर्स मेडिकेशन काम नहीं करेंगी। अटैक होने से पहले आपको ये मेडिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक हो गया, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ग्लूकोसाइड्स। ठीक है, ग्लूकोसाइड देखें बेसिकली दो होते हैं, एक होता है इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा होता है सिस्टमेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसको सिंपल समझते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास स्टीरॉयड्स आ जाते हैं। इनिशियल मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट के अंदर ये देखें कि हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं और स्टीरॉयड्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ग्लूकोसाइड्स हैं बेसिकली ये स्टीरॉयड्स हैं, बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कि हम लोकल लैंग्वेज के अंदर सोलोकार्टिव दे दें। अगर सेचुरेशन गिर रही होती है हम उसमें भी कहते हैं सोलोकार्टिव दे दें, सोलोकार्टिव को शॉट दे दें। बेसिकली क्या होता है, ये स्टीरॉयड होता है। मैं आपको स्टीरॉयड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। स्टीरॉयड्स वो चीज़ें होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली रप्चर कर देती हैं और सेल मेम्ब्रेन में इन हो जाती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन के। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट आपको मैंने शॉर्टली बता दिया कि स्टीरॉयड्स वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं और सेल में इन हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के बहुत फास्ट वर्क होता है। आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिससे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो करती क्या है कि बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, जो उसके न्यूट्रंट्स होते हैं, वो सिलेक्टिवली जो सेल को नीड होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सेल एब्जॉर्ब कर लेता है उस मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो उसके लिए फायदेमंद नहीं होता तो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टीरॉयड क्या करते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली रप्चर करके इन हो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हो गया। तो जब हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट को, हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ल्यूकोट्रीन से भी हम मेडिकेशन एक तरह से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मास सेल स्टेबलाइजर से भी करते हैं, और इसको हम पेशेंट को हम स्टीरॉयड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसको हम लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं सोलोकार्टिव। ठीक है, अब देखें ये तो हो गई हमारी ट्रीटमेंट। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ये जिसको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, मेडिकेशन देखिए, इसको कहते हैं एंटी आईजीई। जर मेडिकेशन का नाम भी देख लें, एक एक मेडिकेशन लाजमी याद रखें, ये एग्जाम में आ जाती है, ओमालीजुमाब। प्रोनाउंसिएशन माइट बी पॉसिबल के चेंज हो, बहरहाल ओमालीजुमाब के नाम से एक मेडिकेशन है जो इसमें आती है। अब इसका देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन की तरफ हम मेन चलते हैं, ये हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये देखें हमने क्या पढ़ा, एंटी आईजीई, इसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी कहते हैं। मैं तरह इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी का मामला हो, हमें ले लेंगे ग्रीन। अब देखें ये जो हमारा सेंसिटिव एरिया था, ठीक हो गया, आईजीई का, अब मैं क्या करूं, ये जो हमारे पास ये मेडिकेशन है बेसिकली न्यू अप्रोचेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आप कह लें, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा सेंसिटिव एरिया है ये वाला, ठीक है, ये मेडिकेशन इसको आके ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया, कि जब हमारी आईजीई ही ब्लॉक हो गई तो जो फॉरेन पार्टिकल यहां पे आ रहा है वो इस पे अटैक ही नहीं होगा। जब अटैक नहीं होगा तो सिग्नल नीचे मास सेल में पास नहीं होगा। जब मास सेल के अंदर सिग्नल पास ही नहीं होगा तो मास सेल की रप्चरिंग भी नहीं होगी। जब रप्चरिंग नहीं होगी तो हिस्टामिन भी रिलीज नहीं होंगे और ल्यूकोट्रिन्स भी रिलीज नहीं होंगे। जब ये दोनों रिलीज नहीं होंगे तो हमारी इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी एयरवे के अंदर और वैजो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, यानी कि इन शॉर्ट एयरवे पे हमारा कोई असर नहीं होगा। अगर हम
ये IgE की मेडिकेशन हम प्रोवाइड कर दें। आई होप कि आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। इसको हम इस मेडिकेशन को या इस थीम को समझने के लिए इस मिसाल को समझें, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, जब हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आके अटैक ही नहीं करेगा इस एरिया के ऊपर, पहले से ही जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन होगी, तो ये सारे मामलात होंगे ही नहीं। सही है, तो अब आप समझ गए होंगे इस एंटीबॉडी इस मेडिकेशन का क्या काम है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एस्थमा के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये हमारा रहा टॉपिक एस्थमा के हवाले से। अब मैं इसके अलावा आपसे कुछ और चीज़ें शेयर करूंगा मैं, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं और मेडिकेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, मैं इनको बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, मैं यहीं मेंशन कर देता हूँ। एक हमारे पास होता है प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। देखें, प्रोडक्टिव कफ को आप सिंपल समझें कि वो कफ होती है जो कि हमारे इस एयरवे के अंदर म्यूकस वाली होती है। मींस जब पेशेंट कफ कर रहा होता है तो उसके अंदर एक बलगम टाइप की आवाज आ रही होती है, बलगम मौजूद होता है ट्रेकिया के अंदर, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, क्यों? क्योंकि मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये सारी की सारी कफ इन्हीं के ट्रेकिया से या तो माउथ के जरिए बाहर आ जाती है या तो फिर स्टमक में चली जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे दूसरी नॉन प्रोडक्टिव कफ की। ठीक है, ये जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ये कहते हैं हम ड्राई कफ को, इसको हम कहते हैं ड्राई कफ। ठीक है, देखें ये जो हेडिंग्स हैं बेसिकली ये डिवाइड की गई हैं मेडिकेशन के एतबार से कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किन किन तरह से मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। कीप इन माइंड, जो हमने पहले पढ़ा वो एस्थमा से रिलेटेड था। ठीक है, दमा या एस्थमेटिक पेशेंट या COPD पेशेंट जो होते हैं उसको ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड की जाती है। अब जो बात हो रही है रिस्पायरेटरी सिस्टम के ओवरली बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिससे आप हमने पढ़ लिया हमने नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसे हम ड्राई कफ भी कहते हैं, ड्राई कफ हम कह देते हैं इसको ड्राई कफ। ठीक है, ये एंटीडसिस आ रही है, इसके अंदर जरूरत बहुत सारी मेडिकेशन मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर कोडीन आता है, फोलोकोडीन आता है, डेक्स्ट्रो मेथोपान भी आता है, एंटीहिस्टामिन आती है, बेंजोनेट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें और आती हैं इसके अंदर। ये हम आगे चल के स्लाइड में भी ज़रूर देखेंगे और आप टेंशन ना लें, आपको स्लाइड मिल जाएगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखिए एंटीडसिव जो हमारे ड्राई कफ्स होती हैं उसके अंदर हम बेसिक दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन जो हमारा होता है इसको हम अपोइड कहते हैं, बेसिकली पेन किलर टाइप का ही होता है। ठीक है, अपोइड्स, और सेकेंड जो हमारे पास होता है एंटीहिस्टामिन्स। हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंटीहिस्टामिन का, ये देखें जब भी मास्टर रप्चर होता है। बहरहाल मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ एंटीडसिव के बारे में। एंटीडसिव वो मेडिकेशन होती है जो ड्राई कफ के अंदर यूज होती है। इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट्स और माइकोलाइटिक्स, ये जो दो मेडिकेशन है ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्टिव कफ होती है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्टिव कफ, ये दोनों प्रोडक्टिव कफ के अंदर हम यूज करते हैं, यानी कि वो कफ या जब हमारे ट्रेके के अंदर बहुत सा बलगम मौजूद होता है तो उसको नहीं कि उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स को और माइकोलाइटिक्स में। एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट्स में आ जाती है। इसका काम क्या होता है, ये इंक्रीज कर देती है वॉल्यूम को ब्रोंकियल सिक्रेशन की। ठीक है, रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम यूज इन क्रॉनिक कफ। ठीक है, ये तीन इसके फंक्शन मेजर हैं। इसी तरह माइकोलाइटिस जो होते हैं इसके भी यही एजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो थिक, मैं लिख देता हूं जरा, जो थिक म्यूकस होती है, ठीक है, जो कि COPD के पेशेंट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्पूटम होते हैं बहुत हार्ड होता है, तो जो हार्ड स्पूटम होते हैं इस तरह के एजेंट्स माइकोलाइटिस के अंदर होते हैं जो थिक म्यूकस को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं, लोअर करते हैं विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। बात हुई आ गई। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिकेशन है वो हम कहते हैं एसिटाइल सिस्टाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है, रिसेंटली जो एग्जाम आया उसमें भी पूछा गया है। इसके अलावा देखें नेजल डिकंजेस्टेंट, आपको नेजल से पता चल रहा है स्प्रे टाइप की होती हैं, इसी तरह हमारे पास
फ्रेंजियल डीमलसेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा रहा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपने पूरी वीडियो को देखा होगा और कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा हो गया होगा। अब आप जब के मेडिकेशन पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी और हेल्पफुल होगी। तो चले अब देखते हैं मेडिकेशन की तरफ, हम चलते हैं सबसे पहले ड्रग्स की तरफ। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के हमारे पास ड्रग्स आ गई हैं, हम आगे मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखें आपके सामने टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी रेमेडीज, एंटीडसिव ड्राई कफ आ गई, एक्सपेक्टोरेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, माइकोलैटिक्स जो होते हैं थिक म्यूकस होती है उसको रिमूव करने के लिए, और स्पूटम की जो विस्कोसिटी होती है उसको, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास शहद होता है, अगर हम शहद को एक किसी फॉर एग्जांपल हम एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, उसमें हम शहद को एक ऊपर के प्लेट के ऊपर के सिरे पे हम रखते हैं और प्लेट को तिरछे में रखते हैं। मैं आपको जरा इसकी एग्जांपल बताता हूँ इस तरह। यहाँ हम एक स्लाइड न्यू ले लेते हैं, न्यू स्लाइड ब्लैंक। ठीक है, ये देखें मैंने आपको कहा कि हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं शहद को। ठीक है, शहद आहिस्ता 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 नीचे आएगा। ठीक हो गया, ये हम ऐसे लिख के शहद बन जाता है। और अगर हम इसी प्लेट के अंदर इसी जगह पे पानी को हम यहाँ रखें तो पानी एकदम नीचे आएगा। ठीक है, पानी बहुत तेजी से आएगा और शहद जो बहुत कम आ रहा है, तो क्या हो रहा है इसकी जो थिकनेस है शहद की, इसको बेसिकली हम विस्कोसिटी कहते हैं। हम अगर कहें पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, लो है, तो पानी बहुत तेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। इसी तरह जो शहद है हमारे पास, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत स्लो आ रहा है। तो जो स्पूटम होते हैं, जो ज़्यादा थिक होते हैं, जो ज़्यादा थिक स्पूटम होता है, हम उसको जो ट्रीट करते हैं माइकोलाइटिक्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं। हम वापसी आ जाते हैं, माइकोलाइटिक्स जो है हम इसको, जो थिक स्पूटम होता है उससे हम ट्रीट करते हैं। डिकंजेस्टन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। एंटीडसिव वही आ गया आपके सामने, मैकेनिज्म आ गए। ठीक है, ओके 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 ओके, इंशाल्लाह आपको स्लाइड मिल जाएगी। देखो ये सारी वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ये देखें डिकंजेस्टेंट आ रहे हैं, सिंपैथो मिमेटिक्स, मिथाइल जेंथीन, और देखें कितनी हार्ड है। अगर आप डायरेक्ट इस स्लाइड पे जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी, आई एम श्योर। सिंपैथो मोमेटिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे देखो आ रहे हैं, दी स्टिम्युलेट बीटा एड्रिनोसेप्टर्स कॉजिंग ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको पहले अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको पढ़ने के लिए मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है आज का फार्माकोलॉजी से है, तो हम फार्माकोलॉजी के ऊपर जाते हैं। देखें ये देखें हमारे पास जो एंटीटसिस होते हैं, जो कि ड्राई कफ होती है हमारे पास। ठीक है, मैं ज़रा इसको कहाँ गया ये हुए। जो आज का हमारा मेन टॉपिक था फार्माकोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वो ये रहा ड्राई कफ, जिसको हम कहते हैं ड्राई कफ। एंटीटसिस आ गई हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोडीन आती हैं, और इसके अलावा फोलोकोडीन भी आती हैं, और डेक्स्ट्रोमेथोपान जो मैं आपको पहले बता चुका था एक ये भी है, और इसके अलावा भी आती हैं दो तीन, एंटीहिस्टामिन और बेंजोनेट भी आते हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको वर्बली बता दिया तो आप इसमें लिख भी सकते हैं इनकी डोजेस वगैरह। मैं इस पर वक्त आया नहीं कर, मैं इस पर वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये आपके पास स्लाइड मौजूद होंगी तो आप इसको देख लीजिएगा। इनमें से एडल्ट की क्या है, चिल्ड्रन के, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बट रिसेंटली दो जो लास्ट ईयर की बात की जाए उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है डाओ एफिलिएशन से। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डाओ एफिलिएशन हो या लम्स की आपकी एफिलिएशन हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट के एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, बट जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम है। अगर एस्थमा के बारे में लम्स में भी पूछा जा रहा है और डाओ में भी पूछा जा रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप दोनों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। एक्सपेक्टोरेंट्स मैं आपको बता चुका था, देखें आपके सामने ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, इसके बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम के बाद एग्जाम में। ठीक है, आप कीप इन माइंड कि एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर आप इसको याद रखेंगे। सेकंड हम चलते हैं डिकंजेस्टेंट और माइकोलाइटिक्स। देखें वो सारी की सारी वो चीज़ें मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, ये आप जब आप ये ड्रग्स को आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टॉपिक, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा मूड ऑफ एक्शन है और उसका क्या इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। मेन जो टॉपिक है हमारा, मैं आपको दिखाना ज़रूर पसंद करूँगा, वो ये है। इसके अंदर जब एस्थमा में जाएंगे तो हमें मालूम होगा। देखें एंटी कफ एजेंट्स वही आ गए आपके पास, एंटीटसिस आ गए आपके पास, फेरेंजियल आ गए, एक्सपेक्टोरेंट्स आ गए, माइकोलाइटिक्स आ गए,
ये टाइप्स ऑफ कफ जो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्टिव कफ जो होती है और नॉन प्रोडक्टिव कफ किसे कहते हैं, कोडीन के, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ना इस स्लाइड के अंदर इनके जो इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कोडीन है, कफ सेंटर सप्रेसेंट इफेक्ट है, और ये जो इनकी जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, आप एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको भी ज़रा देख लीजिएगा। इसके बाद एंटीडेसिव्स हैं, हम पढ़ चुके हैं, और फ्रेंजियल हो गए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो भी आएगा अभी। ये आ गया हमारे पास ब्रोंकल एस्थमा, ठीक है, ये डेफिनेशन और क्या क्या काम करते हैं देखते हैं। ये देखें ब्रोंकोडायलेटर्स, सिंपैथोमिमेटिक्स, ये देखें लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग ये आपके सामने आ रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ, ये देखें ये हमारे पास मेडिकेशन है, एंटीकोलिनर्जिक्स आ गई है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स आ गए हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंटी आईजीई आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। एड्रेनालिन ये देखें, अगर आप मैंने आपको जो बताया था एड्रेनालिन पहले आ रहा था, अब इसमें बाद में आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है तो यकीन जाने वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो काइंडली मैं इससे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो के इस पार्ट पर हैं तो आप बैक पे जाके इस जो थीम है पूरा आप उसको समझ लें, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में सेव रहेगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब जस्ट आप उसको रीड करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, बजाय कि आप रटा मारें एक दो दिन के बाद आप एग्जाम दे लें, वो मार्क्स भी आ जाएंगे लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं है। बहर हम चलते हैं आगे, और ये भी कुछ है, और ये जो है स्लाइड बेसिकली इसकी डिटेल है, आप खुद रीड कीजिएगा इसे। और मिथाइल ज़ैंथिन आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिथाइल ज़ैंथिन जो है हमारा एस्थमा के अंदर मिथाइल ज़ैंथिन अगर आ जाए तो उसमें कौन सी मेडिकेशन है, आप बगैर देखें मुझे बताएं इसमें कौन सी होगी। देखें इसी तरह एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपका थीम क्लियर नहीं होगा, बैकग्राउंड आपका क्लियर नहीं होगा, मोड ऑफ मैकेनिज्म आपको पता नहीं होगा, तो आप यकीनन उसमें मार खाएंगे, सही है। अगर आप थीम को एक दफ़ा सेपरेट करके अपने पास सेपरेट लिख लेंगे तो आपको यकीन जाने आपके लिए बहुत मज़े वाली बात हो जाएगी, और आपको समझ में आएगा और आपको मज़ा आएगा करने के लिए करने में। ये देखें वही आपके पास एग्जाम्पल आ गई है इनकी, ये ड्रग्स है बेसिकली, और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एनडीजीई, इनहेलेशन डिवाइस, तकरीबन ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप ज़रा थीम देख लें और इन दोनों स्लाइड को देख लें, इंशाल्लाह आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पूरा टॉपिक है आपको क्लियर हो जाएगा, और आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी, आपको समझने में भी आसान होगा, आपको लिखने में भी आसान होगा, और मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नो डाउट ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बट आई एम श्योर इट इज़ टू मच हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्ज़ाम एंड इन योर नॉलेज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह नेकीबान, अस्सलाम वालेकुम।